आरक्षण को खत्म करने के उद्देश्य से स्वर्ण समाज के द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आरक्षण विरोधी समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये रैली महानगर के छात्र संघ चौराहे से निकलकर अंबेडकर चौराहा, शास्त्री चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जाकर समाप्त हुई। हाथों में आरक्षण विरोधी बैनर और पोस्टर लिए स्वर्ण समाज के लोगों का कहना है कि आरक्षण से हमेशा समाज में व्याप्त खाई और चौड़ी ही हुई है और इसका लाभ पात्र लोगों को मिल भी नहीं पाता है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल शांति व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद रही, जिसमें मुख्य रूप से एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ कैंट अभिषेक सिंह सहित प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अपने मांग संबंधी ज्ञापन को स्वर्ण समाज के पदाधिकारियों ने एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ को सौंपा। मंगलवार को जिला अध्यक्ष सवर्ण उत्थान समिति के लोगों ने नगर निगम परिसर में इकट्ठा हुए और काली पट्टी बांधकर आरक्षण के विरोध में जमकर नारेबाजियां की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरक्षण विरोधी स्वर्ण समाज के आंदोलनरत कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, नहीं तो देश का विकास नहीं हो सकेगा, क्योंकि सही अर्थों में टैलेंट का उपयोग देश के विकास में हो ही नहीं पा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष स्वर्ण उत्थान समिति के अवधेश कुमार मिश्र ने कहा, जैसे मान लीजिए कॉलेजों में चुनाव ना आ जाता है, उसमें क्या होता है जो एससी सी पर एससी लड़ते हैं, फिर जनरल कैटेगरी जहाँ है वहाँ पर उनको अधिकार से वंचित किया जाए, वहाँ उनको अधिकार न दिया जाए, अन्यथा इसके लिए अब भीषण आंदोलन होगा। आरक्षण समीक्षा आयोग बनाया जाए, यह सी एस टी एक्ट बिल्कुल खत्म किया जाए, देश में खाली दुरुपयोग का एक बंद करो। को लेके आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण बंद करने के लिए हम लोग मास्क निकाले हुए हैं। सवर्ण समाज के लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 तारीख के दिन आरक्षण के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया था, तोड़ फोड़ किया था, लोगों को हत्या हो गई थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो भी सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण मुक्त के लिए रोड पे निकले हुए हैं, कहीं किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, सामान्यतः ज्ञापन सौंपा जा रहा है, सभा किया जा रहा है। आरक्षण मुक्त हमारा देश हो, लाखों करोड़ों छात्राओं के साथ जो हो रहा है शोषण, जातिगत आरक्षण, इसको हटाया जाए। बार बार मोदी और अमित शाह कहते हैं दलितों और पिछड़ों का साथ दिया जाएगा। भारत में 2 तरह का कानून बनाया गया है, एक दलित और पिछड़ों के लिए और एक जातिगत सवर्णों को हर सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। पूरा भारत भारतीय न्यायपालिका के सम्मान में आज एससी एसटी एक्ट जातिगत आरक्षण के विरोध में आज ये पूरा भारत बंद है। और आज जिस तरीके से पूरे सवर्ण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे सवर्ण समाज को प्रतिभाओं
को दमन किया जा रहा है, का दमन किया जा रहा है। इसके लिए यह पूरा भारत देश आज हमारे साथ है, पूरे भारत के व्यापारी आज हमारे साथ हैं, पूरे भारत की जनता हमारे साथ है, पूरे भारत का युवा हमारे साथ है और हम अपना हक लेकर के रहेंगे। सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करके संरक्षण की नीति लागू करनी चाहिए। कह रहा है आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को, ये हमारा नारा है और इस नारे में संरक्षण की भूमिका सरकार को तय करनी चाहिए। इसके लिए आरक्षण समीक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए।